ई चैनल तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरा नाम है अमृता एंड मैं जो वीडियोज बनाती हूँ मोस्टली बच्चों के प्रोडक्ट पर बनाती हूँ बेबी केयर टिप्स पर बनाती हूँ एंड अपने पर्सनल वीलॉग्स जो है वो वीडियोज में शेयर करती हूँ एंड uh, इनसे तो आप मिल चुके होंगे ही इज़ माई सन आयांश जो कि नेक्स्ट वीक सिक्स सिक्स मंथ्स का हो जाएगा तो टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला सो so, दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम बच्चों की के माइलस्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे वेल well, uh, जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो बच्चों का हर एक छोटा छोटा माइलस्टोन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट <laughs> हो जाता है हो जाता है ना बेटे <laughs> सब सारा माइलस्टोन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या चाहिए आपको हाँ तो हाँ बच्चों के जो सारे माइलस्टोन होते हैं जैसे कि आ, बच्चे कब बोलेंगे बच्चे कब बैठेंगे आ, बच्चे कब दौड़ना शुरू करेंगे कब चलेंगे कब क्रॉल करेंगे तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आज के वीडियो में बेसिकली आज हम बात करेंगे कि हम आयांश को बैठने की ट्रेनिंग कैसे देते हैं जनरली जो देखा गया है कि आप चार से छः महीने से ही अपने बेबी को बैठने की ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं जिसमें आप सपोर्ट के साथ इनिशियली बच्चों को बिठा सकते हैं एंड सात आठ महीने तक जो है वो आप कर सकते हैं एंड देखा गया है कि जनरली सात आठ महीने तक बच्चे जो है वो बैठना शुरू कर देते हैं बट ये कोई बेंच नहीं है दोस्तों कुछ बच्चे जल्दी बैठना शुरू करते हैं कुछ बच्चे लेट भी करते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज गिव सम टाइम टू योर बेबी एंड योर बेबी विल डेफिनेटली स्टार्ट सिटिंग ऑन दियर ओन तो बेसिकली आज हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे पहला कि ऐसे कौन से एक्सरसाइज हैं जिससे आपके बच्चों का नेक स्ट्रांग हो जाए आ, शोल्डर स्ट्रांग हो जाए बैक स्ट्रांग हो जाए ताकि आपका बेटी बेबी जो है वो जल्दी से बैठने लगे एंड दूसरा अगर आप अपनी बेबी को बैठने की ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसे कौन से पोजीशंस हैं जिसको यूज़ करके आप उनको बहुत ही आसानी से बिठा सकते हैं सब so, दोस्तों सबसे पहला जो एक्सरसाइज़ है आप बच्चों के नेक को स्ट्रांग करने के लिए शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों को टमी टाइम देना तो आप कैसे बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं आयाज आप टमी टाइम दे दिखाओगे कैसे कर सकते हैं आ जाओ टमी पे आ जाओ आंश कम जल्दी से टमी टाइम देके के देखा तो सबको क्या आप टमी टाइम कैसे लेते हो गुड बॉय सो दोस्तों आ, ऐसे आप अपने बेबी को जो है वो टमी टाइम दे सकते हो आ, जैसे कि मैंने आपको बताया देखिए आप जब बेबी को टमी टाइम देना शुरू करते हैं तो बच्चे अपने नेक को उठाना शुरू कर देते हैं अपने शोल्डर्स को उठाना शुरू कर देते हैं एंड चार पाँच महीने के बाद बच्चे जो है वो अपनी चेस्ट को भी उठाना जो है वो शुरू कर देते हैं जिससे बेबी का जो पूरा अपर बॉडी का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये है सबसे पहला एक्सरसाइज दोस्तों टमी टाइम वाइल टमी टाइम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने टमी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है तो अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी तो ये मेरे अयंश ने बहुत ही अच्छा काम किया है गुड बॉय टमी टाइम लेकर के दूसरा जो एक्सरसाइज है जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो वो है बच्चों को बैक टाइम देना अब बैक टाइम क्या है बैक टाइम इज बेसिकली आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बैक के बल सुला दीजिए अच्छा मेरा बच्चों ममा का गुगपुक मोन शो है बहुत सारी हाँ तो सॉरी आयांश को नोजी आ गई थी तो हमें बीच में जो है वो वीडियो को पॉज करना पड़ा तो वेल आ, दूसरा जो आप एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हो वो है बच्चों को बैक टाइम दीजिए बैक टाइम यही है कि आप बच्चों को बैक के बल जो है वो सुला दीजिए तो ऐसे आप अपने बच्चों को बैक के बल जो है वो सुला सकते हो अभी इसका बैक पेन रहने का बोर्ड बिल्कुल नहीं है तो मैं इसको वापस से रख देती हूँ बट येस बैक के बल हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी मम्मा आप खेलो तो फ्रेंड्स ये दो एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए ताकि बच्चों का जो बॉडी है उसमें थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए नेक स्ट्रॉन्ग हो जाए शोल्डर स्ट्रांग हो जाए चेस्ट स्ट्रांग हो जाए एब्डोमिनल मसल्स जो है थे वो स्ट्रांग हो जाए अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से डिफरेंट पोजिशन हैं हाँ जी कौन सी पोजीशंस है जिसमें आप आ, यूज करके जिसको आप यूज करके बच्चों को बैठने की ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हो तो सबसे पहला जो पोजीशन है जो कि हमने शुरू कर दिया था जब आया आज थ्री एंड हाफ मंथ्स का था हाँ hmm. हाँ हा, थ्री एंड हाफ मंथ्स फोर मंथ से हमने ऑलमोस्ट जो है वो शुरू कर दिया था तो वो है कि आप बेबी को इस तरीके से अपने लैप में रख सकते हो जी बेटू हांजी गुग तो आप इस तरीके से अपने बेबी को लाप में रख सकते हो और अपने हाथ से बेबी को फुल सपोर्ट जो है वो साइड में दे सकते हो तो ये था दोस्तों सबसे पहला पोजीशन जिसमें आप अपने बच्चों को लाप में रख करके इस तरीके से सपोर्ट करते हुए जो है वो बैठने की ट्रेनिंग दे सकते हो दूसरा जो पोजीशन है वो है कि आप अपने दोनों लेग्स के बीच में अंश आज ऑर्च ऑज मम्मा के पास इस तरीके से आप दोनों लेग के बीच में अपने बेबी को रख करके जो है वो बैठने की ट्रेनिंग दे सकते हो इसके फायदे ये है कि बेबी अगर साइड फेस जो है अगर वो गिरता है तो बेबी को फुल सपोर्ट यहाँ पे मिलता है एंड आप अपने हाथ से बेबी को फ्रंट सपोर्ट भी दे सकते हो ताकि बेबी जो है वो सामने की तरफ ना गिरे हाँ नॉट टू फट वेल सिक्स मंथ्स बेबी जैसे कि मैंने आपको बताया सिक्स मंथ्स का होने वाला है तो सिक्स मंथ्स बेबी की माइल्ड स्टोन्स मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो अब हम देखते हैं तीसरा ऐसा कौन सा पोजीशन है जिसमें आप अपने बेबी को बैठ करके ट्रेनिंग दे सकते हो तो वो है कि मार्केट में कुछ ऐसे uh, सोफ़ा अवेलेबल होते हैं बेबी चेयर अवेलेबल होते हैं जिसको आप यूज़ करके अपने बेबी को सिटिंग ट्रेनिंग दे सकते हो तो हमने क्या किया है हमने फर्स्ट क्राई से एक आयांश के लिए एक सिटिंग चेयर काइंड ऑफ जो है वो अ काइंड ऑफ सोफ़ा आई वुड से जो है वो ऑर्डर किया था एंड वी जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई बट एक्चुअली हम लोग बहुत खुश हैं उससे तो लेट मी शो दैट टू यू एक मिनट चलो सो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार देखना दिख रहा है ना तो ये है वो काइंड ऑफ कार शेप में है बट यहाँ पे सिटिंग uh, पोजीशन जो है वो बेबी का अवेलेबल है तो हमने ये भी जो है वो यूज़ करना शुरू किया इसको हम लास्ट टेन डेज से व से यूज़ कर रहे हैं एंड इसका एक फ़ायदा है कि आपको फिर यहाँ पे क्वेश्च यूज़ करने नहीं पड़ते पिल्लोज यूज़ नहीं करने पड़ते क्योंकि बेबी जो है वो बहुत oh, my dear, baby. No, no, क्या हो गया क्या? क्या हो गया तो यूज़ नहीं करने पड़ते तो बच्चों के लिए थोड़ा से ज़्यादा सेफ़ मुझे लगा बट इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते मतलब घंटों बिठा कर के नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली आपको अंडर सुपरविज़न ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो तो मैं आपको फटाफट करके दिखाती हूँ कि आयाश इस पर कैसे बैठ करके आराम से अपना सिटिंग पोजिशन जो है वो एन्जॉय करता है एक्चुअली इसको दिखाने से पहले ओह आपको कैप पसंद नहीं आया <laughs> माई क्यूटि yeah. है एक्चुअली yeah. एक काम करते हैं इसको दिखाने से पहले मैं आपको फोर्थ वाला जो पोजीशन है वो पहले दिखा देती देते उसके बाद मैं आराम से आयांश को इस पर बिठा दूंगी ताकि वो अपना फिर इस मुझे उसको यहाँ से मूव ना करना पड़े तो अभी इसको हम साइड रखते हैं हाँ जो फ़ोर्थ वन है वो आपने बहुत जगह सुना होगा कि आप पिलोज़ यूज़ कर सकते हो आप क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो तो हम भी वही करते हैं हम भी पिलोज़ यूज़ करते हैं क्वेश्चन यूज़ करते हैं एंड किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ क्विकली वन सेकेंड जो पोजिशन है दोस्तों वो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन हुआ है और उसको बीच में बिठाया है।, क्या हो, क्या? क्या हो, क्या? तो है कि बेबी जो है वो साइड फेस फॉल नहीं करेगा एंड सामने के लिए अगर वो आगे आता है तो मैं यहाँ पे उसको सपोर्ट दे करके बिठा दूंगी तो ये भी हंस के दिखा दो सबको कैसे हाँ स्माइल करते हैं? दिखा दो वेरी गुड तो ये था फोर्थ पोजीशन अब मैं आपको फटाफट फड़ थर्ड पोजीशन पे लेके जाती हूँ जहाँ पे मैं आपको आ, कार सीट को यूज़ करके आई मीन सॉरी कार सोफा कार सोफा कम कार प्लस बेबी चेयर जो भी है उसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि उस पर हम आयाज को कैसे बिठाते हैं ताकि वो अपना जो बैठने का टाइम है वो उसको आराम से इंजॉय कर सके आप यहीं पर रहना बैठो मम्मा फटाफट इसको लगा देती है आ जाओ आप अपने पे सवार हो जाओ, नो प्रॉब्लम कम आजा आजा अब आप अपनी गाड़ी आप चला सकते हो अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ठीक है वेरी गुड तो ये था जिसकी मैं बात कर रही थी फोर सोफा कम बेड कम बेड तो नहीं सोफ़ा कम चेयर बेबी के लिए जहाँ पे आप बच्चों को अगर एक बार बिठा देते हैं तो बच बेबी जो है वो साइड वेज फॉल अगेन यहाँ पे भी नहीं करेंगे यहाँ का फ़ायदा ये है कि आप भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं प्लस बेबी जो है वो अपना बैठने की ट्रेनिंग भी साथ साथ ले सकता है बट यहाँ पर भी आपको इक्वली सुपरवाइज करना होगा एंड देखते रहना होगा कि ऑब्वियसली बेबी जो है वो कुछ सामान को अपने मुँह में ना ले जाए एंड वगैरह वगैरह तो दोस्तों ये था जब सॉरी जो लास्ट जो पोजीशन है जो आप यूज कर सकते हैं बच्चों को बिठाने के लिए वो है पोजीशन ट्राई पोजीशन क्या होता है जिसमें आप अपने बच्चों के दोनों को ऐसे रख करके अपने दोनों उनके दोनों हाथों को आप निकालने के मूड में हो बेटू हाथ को नहीं हो दिखाओ दिखाओ ऐसे करके रख सकते हो अभी मैं ज्यादा दिखाऊंगी नहीं वरना ये इसका मूड खराब हो जाएगा तो आप इस तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दे सकते हो जिसपे बेबी जो है वो कंफर्टेबल हो सकता है बच्चों के सामने अगर आप टॉयज रख दोगे तो टाइज टॉयज को छूने की कोशिश करेगा आगे आने जाने की कोशिश करेगा बैक आने की कोशिश करेगा तो अगेन ये भी बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को बिठाने की ट्रेनिंग देने के लिए बट ये पोजीशन आपको तभी ट्राई करना है जब बेबी खुद की बॉडी को नेक को जो है वो सपोर्ट करने लगे उसके बाद ही शुरू करें उससे पहले ना करें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आप कभी भी अपनी बेबी को बैठने की ट्रेनिंग दे तो सबसे पहले अपने पीटाइट्रिशन से ज़रूर चेक कर लें उनसे बिग थम्स अप ले लें उसके बाद ही आप उनको बिठाने की ट्रेनिंग जो है वो शुरू करें तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आई एम सॉरी बच्चों के बिठाने पे ट्रेनिंग पे कि हम बच्चों को कैसे बिठा सकते हैं एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया आपका अगर कोई भी सवाल है कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप अपनी बेबी को बैठने की ट्रेनिंग कैसे देते हैं वो आप मुझे पक्का कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बिग अप दीजिए एंड आई एक बार बोल दो बिग थम्स अप देने के लिए वेरी गुड एंड नॉट टू फर्गेट अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम दोनों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छी वीडियोज़ जो है वो लाने के लिए तो इसी के साथ हम दोनों आज का वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय टेक केयर बाय बाय कर दो बाय